खंडपीठ के संत आचार्य धर्मेंद्र महाराज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री समेत कई नेताओं और साधु संतों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। इस दौरान हजारों लोगों ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आचार्य धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा के दौरान देश प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे। वहीं आचार्य धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए पावन पीठ पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर आचार्य धर्मेंद्र की को श्रद्धांजलि दी। साथ ही आपको बता दें कि पावन धाम स्थित आश्रम में आचार्य धर्मेंद्र महाराज का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विराटनगर विधायक इंद्रराज गुर्जर, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा समेत कई जनप्रतिनिधियों ने पुष्पचक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। वहीं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने महाराज के निधन को देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। उन्होंने गौवंश के लिए 1966 में हुए आंदोलन को देश के हित में बड़ा योगदान बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराज श्री के जाने से उनके सिर से पिता का साया उड़ गया। कर्नल राठौड़ ने कहा कि देश और हिंदू समुदाय के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। आचार्य धर्मेंद्र के गौवंश को बचाने के लिए किए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। विधायक इंद्रराज गुर्जर ने भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि महाराज ने राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। समर्थ परंपरा के अध्वर्य साक्षात हनुमान जी के पुत्र और रामदास की परंपरा चलाने वाले हमारे पंचखंड पीठाधीश्वर आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज जी का आज ब्रह्मलीन होना समस्त देशवासी नहीं अभी तो विश्व में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। विशेषकर राम जन्मभूमि आंदोलन में और गौ माता के आंदोलन में उनकी जो सक्रियता रही है, हमारे देश को आचार्य धर्मेंद्र जी का नेतृत्व मिला। दत्त पद्मनाभ पीठ गोवा और हम महाराज श्री का बहुत ही गहरा पारिवारिक संबंध था। सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं बल्कि धर्म के रास्ते पर समाज को चलने का मार्ग भी प्रदर्शित करना। आचार्य धर्मेंद्र जी शारीरिक रूप में हमारे विराटनगर जयपुर ग्रामीण में रहे, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और राम राज्य तभी होता है जब धर्म के रास्ते पे राजनीति चले। और मुझे लगता है कि आचार्य धर्मेंद्र जी ने बहुत पहले ही भारत, नए भारत का निर्माण समझ लिया था, देख लिया था, और उनके आशीर्वाद से बहुत से काम हुए।